मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा ठंडा पानी कभी नहीं पीना, कभी नहीं पीना, कितनी ही गर्मी पड़े ठंडा पानी कभी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना जी? और ठंडा पानी होता क्या है पहले तो ठंडा पानी समझो। आयुर्वेद में ये कहा गया कि जिस पानी का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो वो पानी ठंडा है। अब 27 डिग्री से कम पानी कौन सा होता है? ये जो रेफ्रिजरेटर में पानी रखा होता है ना, ये 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड का है। और बर्फ मिलाया हुआ पानी है वो करीब करीब 2.5-3 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो ये ठंडा पानी है बर्फ में मिला के या रेफ्रिजरेटर में रखे। तो फ्रिज का पानी नहीं पीना, बर्फ का नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? ठंडा पानी पियो तो तकलीफ क्या होगी? आपका पेट गर्म है कि ठंडा? गर्म। ठंडा किसका है? सबका पेट गर्म है, ठंडा नहीं है। तो सबका पेट है गर्म। अब गर्म पेट में हम ठंडा पानी डालें तो झगड़ा होगा। क्या झगड़ा होगा? या तो पेट पानी को गर्म करेगा, नहीं तो पानी पेट को ठंडा कर देगा। यही तो होगा। गर्म पेट में ठंडा पानी डाला, या तो पेट पानी को गर्म करे या पानी पेट को ठंडा करे। मान लो पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, थोड़ी देर के लिए सोचो, पानी ने पेट को ठंडा कर दिया। पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, क्योंकि हृदय और पेट जुड़े हुए हैं। हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है, और मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी का ठंडापन आता है, फिर राम नाम सत्य हो जाती है। और आप सब माताएं बहने जानती है ना, आदमी जब ठंडा होता है तो घर के बाहर फेंक देते हैं, निकाल के घर में नहीं रखते। रखते हैं क्या? जब तक आदमी का शरीर गर्म है तब तक उससे लिपट लिपट के रोते हैं, ठंडा होते ही दूर से प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। और इतना दूर से प्रणाम करते हैं कि फिर हैरानी होने लगती है कि ये सगे लोग हैं। समझ लो ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है। और जैसे ही घर के बाहर आया शरीर ठंडा, तो मोहल्ले पड़ोस वाले एक ही बात बोलते, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भले आदमी 40 साल जिसने इतना बढ़िया मकान बनाने में लगा दिया, ठंडा होते ही कहने लगे जल्दी करो, जल्दी करो, भगाओ, निकालो इस मकान से, यहाँ जगह नहीं इसकी। समझ लो ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है। तो ठंडा पानी पी के क्यों ठंडा करना शरीर को? तो इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना। अब गंभीर बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं पेट पानी को गर्म करता है, और जब पेट पानी को गर्म करेगा तो पेट में पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वो ऊर्जा रक्त में से आती है। तो सारे शरीर का रक्त पानी को गर्म करने के लिए पेट में उतर आता है। अब शरीर के हर अंग में रक्त की कमी आ जाती है, और वो रक्त की कमी अगर 3 मिनट तक रह गई तो शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, और उस स्थिति में आदमी का शरीर बेकार हो जाता है। इसलिए कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। समझ में आया? फिर आप पूछोगे घड़े का पानी पीना है क्या? मिट्टी के घड़े का पानी गर्मियों में पीना, क्योंकि मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है गर्मियों में। जब मई जून की गर्मी आएगी तब मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी तब भी नहीं पीना, बर्फ का पानी कभी नहीं पीना। अब मैं एक मजे की बात बताता हूं। जब मैं पहली बार विदेश प्रवास में गया तो मैंने देखा वहां के लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, यूरोप और अमेरिका। इतना ठंडा पानी पीते हैं कि पानी को फ्रिज में रखते हैं, 6-7 दिन ठंडा होता है, फिर पानी को निकालते हैं, फिर ऊपर से बर्फ डालते हैं, फिर पीते हैं।
इतना ठंडा पानी। परिणाम जानते हैं क्या है? जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो मैंने कहा ना, शरीर का सारा रक्त पानी को गर्म करने के लिए पेट में आता है। तो शरीर में एक अंग होता है जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, ऐसे होती है पाइप की तरह से, और इसी में से मल निकलता है। जब बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं तो इसका जो खून है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, ये पेट में चला जाता है, तो ये सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है। तो ज्यादा ठंडा पानी पीने वालों की बड़ी आंख बंद हो जाती है। अब बड़ी आंख बंद हो जाएगी तो मल नहीं निकलेगा, मल नहीं निकलेगा तो घंटों घंटों उनको बैठना पड़ेगा संडास कर। तो मैंने देखा यूरोप और अमेरिका के लोग जब जाते हैं ना टॉयलेट में तो दो दो घंटे बाहर नहीं आते, अंदर ही बैठे रहते। अब मैं पूछता हूँ, भाइयों करते क्या हो अंदर दो घंटे? तो कहते हैं कि पेट साफ नहीं होता। फिर मैं पूछता हूँ क्या करते हो? तो कहते पूरी ताकत लगाते, फिर भी पेट साफ नहीं होता। फिर मैं पूछता हूँ और क्या करते हो? कहते गाना गाते। कौन सा गाना गाते? मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और जब ज्यादा तकलीफ होती है ना तो दूसरा गाना गाते, एक बार आजा 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 आजा, वो आती नहीं है। समस्या पता है क्या है? उनको कब्जियत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन। और कब्जियत का कारण क्या? बड़ी आंत सिकुड़ गई, बंद हो गई, अब मल निकलेगा नहीं इसमें से। ये समस्या कहां से शुरू हुई? ठंडा पानी पीने से। तो आप लोग पियोगे ठंडा पानी? हाँ, गाना गाना पड़ेगा फिर।